हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जैसा कि आप जानते हो हमने स्टार्ट किए हुए हैं बी ए बी एस सी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकेंड इज रियल एनालिसिस रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं पेज नंबर थर्टी वन से लेके और एक्सरसाइज तक तो कम्प्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे फाइव पॉइंट वन उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर फाइव कम्प्लीट हो जाएगा सब स्पेसिस से पहले वाला कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैं करा चुकी हूँ और विद एक्सरसाइज हमने पूरा मैथ कंप्लीट किया है पेली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप देख सकते हो सब स्पेसेज ऑफ अ मेट्रिक स्पेस मेट्रिक स्पेस आपको पता है उसके सब स्पेस की बात हो रही है जैसे कोई भी सेट है उसका सबसेट हम लेते थे कोई भी ग्रुप्स एंड रिंग्स में कोई रिंग होती है उसकी सब रिंग हम लेते हैं तो वैसे ही मेट्रिक स्पेस है स्पेस है उसका सब स्पेस हम यहाँ पे ले रहे हैं देखो सबसे पहली बात जो एक्स डी है वो हम क्या लेते थे मेट्रिक स्पेस ठीक है तो जो वाई डी स्टार ये मैंने लिखा हुआ है ये बनता है हमारा सब स्पेस अब देखो इनमें रिलेशन क्या है जो हमारा सेट है ना वो एक्स का क्या होता है सबसेट होता है यानी वाई इज सबसे पहली चीज इन सेट्स के बीच में रिलेशन हमें पता चला अब डी इस मेट्रिक में और इस डी स्टार इस मेट्रिक में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए देखो अब एक बात ध्यान से समझना वाई जो है वो एक्स का सबसेट है यानी एक्स बड़ा सेट है बड़े सेट पे डी मेट्रिक काम कर रहा है और वाई छोटा सेट है इसी का कोई ना कोई सबसेट जिस पे डी स्टार काम कर रहा है ये कोई बड़ा सेट है एक्स और मैंने ब्रैकेट में इसे लिखा है क्योंकि ये जो डी है ये क्या है मेट्रिक है जो एक्स पे काम कर रहा है यानी सिंपल सी बात है ये पूरा एक्स सेट है जो डी मेट्रिक है वो पे डिफाइंड है और ये क्या है वाई जो है वह एक्स का सबसेट था और इस पर कौन सा मेट्रिक डिफाइंड है डी स्टार अब ये तो अलग अलग चीज़ें हैं कि एक्स कोई सेट है उसके ऊपर डी मेट्रिक डिफाइंड है वाई आपने एक्स का सबसेट ले लिया उस पर डी स्टार मेट्रिक डिफाइन कर दिया तो इस डी और डी स्टार में कोई रिलेशन भी तो होना चाहिए ना तो वो रिलेशन क्या है वो ये कहता है कि जो डी की डी स्टार की वैल्यू हम निकालेंगे जैसे डी स्टार है वो एक्स और वाई इन दो पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं अब डिस्टेंस डी स्टार है तो वो वाई के एलिमेंट्स पर लगेगा यानी एक्स और वाई वाई के एलिमेंट्स होंगे तो सब स्पेस में क्या कहते हैं वो ये अगर आप डी स्टार एक्स वाई निकालो या फिर डी एक्स वाई निकालो आंसर हमारा सेम आना चाहिए यानी जब वो दोनों एलिमेंट्स वाई के हो ना तो डी स्टार की वैल्यू और डी की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए ऐसा नहीं है इसके दो एलिमेंट्स पे लगाओ डी स्टार वो अलग वैल्यू दे रहा है और D अगर इसके एलिमेंट्स पे लगाओ क्योंकि है तो ये D X के सारे एलिमेंट्स पे लग रहे हैं तो ये भी तो एलिमेंट्स ही है ना X के ये लगाओ वो अलग काम कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए D स्टार एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई अब आपको समझ आ जाएगा ये मेट्रिक स्पेस है ये Y X का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है D स्टार डिनोट करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ d टू y क्रॉस y रिस्ट्रिक्शन डी स्टार मतलब डी की रिस्ट्रिक्शन वाई क्रॉस वाई पे यानी वैसे तो हम एक्स क्रॉस एक्स से डिफाइन करते थे डी को एक्स क्रॉस एक्स से डिफाइन करते थे लेकिन डी स्टार क्या डिफाइन करेंगे हम वाई क्रॉस वाई से और किस टाइप से कि जो डी स्टार एक्स वाई है वो डी एक्स वाई के इक्वल हो यानी जब पॉइंट्स वाई के हो जब वाई के पॉइंट्स की बात आए तो डी स्टार लगाओ या फिर डी लगाओ आंसर हमारा सेम आना चाहिए तो तब आप क्या कहते हो डी स्टार जो मैट्रिक्स स्पेस ये वाला बना ना वाई डी स्टार ये भी एक मैट्रिक्स स्पेस है ये भी एक मैट्रिक्स स्पेस है लेकिन ये वाला सब स्पेस होगा किसका इस बड़े वाले का ठीक है और इस डी स्टार जो मेट्रिक है ना वाई के लिए उसको बोला जाता है कि ये इंड्यूस हुई हैं डी से यानी दिस इज मेट्रिक फॉर वाई विच इज कार्ड द मेट्रिक इंड्यूस्ड बाय डी ऑन वाई यानी डी की हेल्प से वाई पे हमने जो मेट्रिक इंड्यूस की है वो है डी स्टार तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं इस रिलेटेड थ्योरम की थ्योरम हमें क्या कहती है एक्स डी अगर कोई मेट्रिक स्पेस है और वाई डी स्टार कोई सब स्पेस है सब स्पेस का नाम सुनते ही डरने वाली ज़रूरत नहीं है सिंपल सी बात है वाई जो है वो एक्स का सबसेट होगा और जो डी स्टार है वो सिर्फ वाई के एलिमेंट्स पे ही डिफाइन होगा किस टाइप से कि जब डी स्टार एक्स वाई पे लगाओ वो इक्वल होगा डी एक्स वाई के एक्स और वाई वाई के एलिमेंट्स हैं बस और इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो देखो ये कहना क्या जाता है अ सबसेट बी ऑफ वाई इज डी स्टार ओपन यानी उस वाई का भी आपने एक कोई बी सबसेट ले लिया वो डी स्टार ओपन होगा यानी डी स्टार केस में ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ एक डी ओपन सबसेट जी एक्स का एग्जिस्ट करे सच दैट बी इज इक्वल टू जी का इंटरसेक्शन विद वाई देखो ये ऐसा कुछ कहना चाहता है कि एक्स हमारा ये बड़े वाला सेट है वाई हमने एक्स का सबसेट उठा रखा है ठीक है तो ये कहता है कि बी जो कि वाई का सबसेट है इसको आप ओपन कब बोलोगे डी स्टार ओपन क्योंकि ओब्वियसली जब मेट्रिक ही वाई के एलिमेंट्स पे डी स्टार लग रहा है तो ऑब्वियसली हम यही कहेंगे ना कि ये ओपन डी स्टार ओपन है यानी डी स्टार के रिस्पेक्ट में तो उस चीज़ की इसने बताई कि जो वो हमारा डी स्टार ओपन होगा ये बी इफ एंड ओनली इफ हमें डी ओपन सबसेट जी मिल जाए सच दैट उस जी में और वाई में इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ यही बी हो जैसे ऐसे ये मैंने जी मान लिया यहां से लेके और ये पूरा जी है और सिर्फ ये बी है तो ये कहता है कि जो बी है ना वो डी स्टार ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ ये जो जी है हमें इफ एंड ओनली इफ हमें ये जी डी ओपन सबसेट मिल जाए सच दैट किस टाइप से कि जो बी है वो क्या हो इस जी की और वाई की इंटरसेक्शन डायग्राम के थ्रू ये कहना क्या चाहता है ये आपको समझ आ गया है अब चलिए प्रूफ देखते हैं देखो सबसे पहले देखो लेट एस आर स्टार वाई नॉट डी करता है डी स्टार ओपन sphere इन वाई वु सेंटर वाई नॉट एंड रेडियस आर देखो सिंपल सी बात है वाई नॉट को सेंटर मान के और आर को रेडियस मान के अब जो ओपन स्फियर बनाते थे वो क्या होता था एस आर वाई नॉट लेकिन यहाँ पे मेट्रिक स्पेस डी स्टार है तो यहां पे स्टार लगा दो इससे ये पता चल जाएगा कि ये डी स्टार यानी वाई के अंदर ओपन स्फियर है ठीक है अब देखो अब हम क्या कहते हैं कि सो दैट अब किसी ने डेफिनेशन दे दी ओपन स्फीयर की डेफिनेशन ही दी है क्या होता है इसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जिनका डिस्टेंस इस वाई नॉट से आर से क्या हो जाए लेस हो जाए नाउ इट इज एविडेंट दैट एस आर स्टा वाई नॉट इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन एस आर वाई नॉट देखो आपके पास क्या है इसको इन्होंने माना हुआ है एस आर वाई नॉट एस आर वाई नॉट ठीक है यानी वाई नॉट के अराउंड आर रेडियस का आपने ओपन स्फीयर ड्रो कर दिया एक्स के अंदर और वाई जो है आपने ये वाला सेट माना हुआ है ये वाला ये जो सर्कल है ना ये इसने वाई सेट माना हुआ है तो इनकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या है एस आर स्टार वाई नॉट ठीक है ये क्या है एस आर स्टार वाई नॉट यानी वाइन नॉट के अराउंड ये जो वाइन नॉट है इसके अराउंड डी स्टार के रिस्पेक्ट में जो ओपन स्फीयर है वो है इनका इंटरसेक्शन ठीक है थोड़ी सी टिपिकल सी थ्योरम है बट समझने की कोशिश करना डिफिकल्ट नहीं है समझ आने के बाद तो आप कर लोगे इतना हमें समझ आ गया अब देखो अब वही बात है इफ़ ओनली इफ कंडीशन थी तो एक चीज़ लेके चलो दूसरी प्रूव कर दो ये चीज़ हम लेके चलेंगे कि जो बी है वो डी स्टार ओपन सबसेट है और हमें ये प्रूफ करना है कि बी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन Y। वाई कैसे प्रूव करेंगे देखो बी जो है वो डी स्टार ओपन सबसेट है वाई का तो B के हर एलिमेंट के लिए एक डी स्टार ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर वाई होगा और रेडियस कुछ होगी सिंपल सी बात है कोई भी सेट ओपन सेट होता है क्या उसका क्या मतलब होता है वो अपने हर पॉइंट की क्या है नेबरहुड है अब इसका आपने वाई पॉइंट उठा लिया इसका मतलब क्या है ये जो सेट है बी ये वाई की नेबरहुड है यानी वाई के अराउंड आपको एक ओपन स्पीयर मिल जाएगा सच दैट वो बी का सबसेट होगा ठीक है तो अब देखो आर वैसे तो हम आर लेते थे ना लेकिन आर ऑफ वाई यानी जो रेडियस है ना वो वाई का फंक्शन है इसीलिए हमने यहाँ पे आर वाई लिया है वैसे तो हम आर लेते थे सिंपल स्मॉल आर लेते थे नाउ वी हैव अब बिल्कुल ध्यान से समझना बी क्या है इन सभी ओपन स्पीयर्स की यूनियन ही तो है ठीक है हम ये करते हमने ये किया था ना देखो ये हमने किया था देन अ नॉन एम टी हमने पेज नंबर इलेवन पे किया था कि कोई भी सबसेट ओपन होगा इफ इफ इट इज़ यूनियन ऑफ ओपन स्पीयर्स अगर ये ओपन स्पीयर्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो ये ओपन होगा ओपन है तो यूनियन फेयर यूनियन यूनियन ऑफ ओपन स्पीयर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये सारे क्या हैं ओपन स्फियर्स हैं तो बी को हमने इन सब की यूनियन की फॉर्म में लिख दिया अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करके लिखो अभी हमने ऊपर बताया था ना कि जो एस स्टार आर वाई नॉट है वो वाई की और इस फेयर की इंटरसेक्शन है यानी इस इस फेयर में इस फेयर में क्या फर्क है यहाँ पे स्टार है या स्टार नहीं है यानी ये डी स्टार मेट्रिक के रिस्पेक्ट में है ये डी मेट्रिक के रिस्पेक्ट में तो वही हमने किया इसको हमने क्या किया वाई का इंटरसेक्शन इसी के साथ बस स्टार हटा दिया अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लो ये यूनियन है सारे वाई इंटरसेक्शन एस आर वाई की तो आपने क्या किया वाई को बाहर ले लिया और यूनियन को अंदर ले लिया ऐसा हम कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है हमारा इंटरसेक्शन और यूनियन के केस में कि अगर ऐसा कुछ है तो वाई को बाहर ले लो उसकी इंटरसेक्शन ले लो इन सबके यूनियन के साथ क्योंकि वाई की क्या यूनियन होगी वाई को बार बार यूनियन करके वाई यूनियन वाई यूनियन वाई यूनियन वाई ही तो आएगा उससे उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो वाई की इंटरसेक्शन इन सब के यूनियन के साथ और इन सब का यूनियन क्या लिया था हमने इसको हमने जी मान लिया यूनियन ऑफ दीज ओपन स्फियर्स विद रिस्पेक्ट टू द मेट्रिक डी इसको हमने जी का नाम दे दिया अब जहाँ पे ये इसके इक्वल है एंड जी इज़ अ डी ओपन सेट बीइंग यूनियन ऑफ डी ओपन स्फीयर्स ये हमने किया था जो ओपन स्फीयर्स की यूनियन की फॉर्म में लिखा जाए जो ओपन सेट्स की यूनियन की फॉर्म में लिखा जाए वो क्या होता है ओपन सेट होता है अब डी ओपन स्फीयर्स की यूनियन की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो डी ओपन सेट होगा ऑबियसली तो हमने क्या किया हमने एक बी हमने लिया था और जी हमने फाइंड आउट कर लिया सच दैट बी इज इक्वल टू जी का इंटरसेक्शन वाई के साथ और हमें यही तो प्रूव करना था कन्वर्सली हम ये लेके चलेंगे कि बी इज इक्वल टू जी का इंटरसेक्शन वाई के साथ हमें प्रूव क्या करना है कि जो बी है वो कैसा है डी स्टार ओपन है बी कैसा है डी स्टार ओपन अब देखो आपने बी का कोई भी पॉइंट उठा लिया भाई आपने प्रूव क्या करना है जो बी है वो डी स्टार ओपन है मतलब इसके अंदर से कोई भी पॉइंट लो वो उसके नेबरहुड बन जाएगा यानी उस पॉइंट के अराउंड हम एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर पाएंगे जो कि बी का सबसेट होगी देखो अब हमने बी को जी इंटरसेक्शन सेक्शन वाई के इक्वल माना हुआ है तो नेबरहुड प्रूव करने के लिए बी में से कोई एलिमेंट लोगे आप वाई अब आपने वाई क्या लिया है बी का पॉइंट लिया है और बी इस चीज़ के इक्वल है तो वाई किस में बिलोंग करता है जी इंटरसेक्शन सेक्शन वाई के अंदर अब जो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है इसका मतलब वो जे में भी है और वाई में भी है तो इसका मतलब वाई जे में है और वाई क्या है जी के अंदर है और जी कैसा है डी ओपन है यानी ओपन सेट है और ओपन सेट तो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होती है यानी उस वाई के अराउंड हम एक ओपन स्फीयर ड्रो कर सकते हैं जो कि जी का सबसेट होगा ठीक है तो दिस इज सबसेट ऑफ जी अब हेंस ये तो इनका इंटरसेक्शन थी ठीक है और आप बता रहे हो कि ये वाला जी का सबसेट है तो इसका मतलब ये पूरी टर्म सबसेट हो जाएगी वाई इंटरसेक्शन जी की सिर्फ इसको इससे रिप्लेस कर देने पे ये वाली टर्म सबसेट हो गई ना और जी इंटरसेक्शन वाई क्या बी है तो ये चीज़ कंटेन हो गई ये ओपन स्फीयर कंटेन हो गया बी के अंदर तो वाई हमने पॉइंट लिया था उसके अराउंड हमने डी स्टार ओपन स्फीयर ड्रॉ किया वो बी के अंदर कंटेन हो गया तो बी क्या बन गया डी स्टार ओपन सबसेट ऑफ वाई नेक्स्ट देखो वाई डी स्टार कोई यह सब स्पेस है मेट्रिक स्पेस एक्सडी का इन ऑर्डर दैट एवरी ओपन सब सेट ऑफ बी ऑफ वाई टू बी ओपन इन एक्स इट इज सफिशिएंट दैट वाई बी ओपन इन एक्स देखो ये तो आपको पता है सब स्पेस है ये मेट्रिक स्पेस है इसे ये कहा कि वाई का कोई सबसेट एवरी ओपन सबसेट बी वाई का एक्स के अंदर कब ओपन होगा यानी बी वाई के अंदर तो ओपन है यानी वाई तो बी के सारे पॉइंट्स की नेबरहुड फॉर्म करता है यानी वो B, y के अंदर तो ओपन है ये हमें दिया हुआ है तो एक्स के अंदर ओपन कब होगा अगर वाई एक्स के अंदर ओपन हो यानी वाई का कोई सबसे ओपन कब होगा पहले वाई एक्स के अंदर ओपन होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है यानी अगर उसका सबसेट एक्स के अंदर ओपन है तो वाई एक्स के अंदर ओपन होगा और वाई एक्स के अंदर ओपन दिया हुआ है तो वाई का सबसेट बी भी एक्स के अंदर ओपन होगा देखो ये तो हमें दिया ही हुआ है कि एवरी ओपन सबसेट बी ऑफ वाई इज ऑल्सो ओपन इन एक्स यानी एक चीज हमने मान ली कि उसका सबसेट एक्स के अंदर ओपन है अब वाई जो है वो खुद का तो सबसेट होता ही है इसका मतलब वाई भी एक्स के अंदर ओपन हो गया कन्वर्सली हम ये मान के चलेंगे कि वाई जो है एक्स के अंदर ओपन है हमें ये प्रूव करना है कि जो वाई का सबसेट है ना बी वो भी एक्स के अंदर ओपन है तो पहली बात हमें ये प्रूव करना है बी एक्स के अंदर ओपन है ठीक है अब जैसा कि बी वाई के अंदर ओपन है तो इसका मतलब क्या है देर एग्जिस्ट अ सबसेट जी ओपन इन एक्स सच दैट बी इज इक्वल टू जी इंटर वाई अभी हमने पीछे किया है ये अगर बी वाई के अंदर ओपन है ठीक है तो G सबसेट मिलेगा हमें X का जो कि X के अंदर ओपन होगा सच दैट B क्या होगा Y की और G की इंटरसेक्शन अब Y ओपन है B ओपन है तो इसका मतलब ये भी जो Y है वो X के अंदर ओपन है B है वो X के अंदर ओपन है तो दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो भी क्या होगी ओपन होगी एक मिनट वाई जो है वो एक्स के अंदर ओपन है ठीक है अच्छा अच्छा देखो वाई एक्स के अंदर ओपन है और जी भी एक्स के अंदर ओपन है जी भी एक्स के अंदर ओपन है वाई भी एक्स के अंदर ओपन है इनकी इंटरसेक्शन भी वाई के अंदर ओपन होगी और इनकी इंटरसेक्शन है किसके इक्वल बी के तो बी भी क्या होगा एक्स के अंदर ओपन होगा नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो इसने कहा वाई डी स्टार कोई सब स्पेस है इस मेट्रिक स्पेस एक्सडी का और ए जो है हमारा वाई का सबसेट तो फर्स्ट जो सबसेट ए है वाई का वो क्लोज्ड होगा वाई के अंदर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सेट एच क्लोज इन एक्स सच दैट ए इक्वल टू एच इंटरसेक्शन वाई देखो जो काम हमने ओपन के लिए कहा किया वही काम ये क्लोज के लिए करने के लिए बोल रहा है ओपन के लिए भी तो हमने यही किया था ना देखो हम कह रहे थे कि वो जो B है Y का सबसेट वो D स्टार ओपन कब होगा अगर हमें कोई D ओपन सबसेट मिल जाए सच दैट B इज़ इक्वल टू जी इंटरसेक्शन Y, इसको पढ़ो अब Y का कोई सबसेट क्लोज कब होगा अगर हमें H कोई क्लोज सबसेट X का मिल जाए सच दैट A इज इक्वल टू उस H की और Y की इंटरसेक्शन वैसा ही कुछ है देखो प्रूफ कैसे करेंगे A सबसेट मान लिया आपने Y का और ए हमने क्लोज्ड मान लिया इफ एंड ऑन लीव कंडीशन है ना तो इसका मतलब हमें दोनों साइड से प्रूव करना है इन्होंने इफ एंड ऑन लीव वाली चीज़ लगा के कर रखा है यानी साथ साथ प्रूव हो जाएगा दोनों ही चीजें अब देखो ए, वाई सॉरी ए जो है वो वाई के अंदर क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा यानी वाई माइनस ए जो है वो ओपन होगा वाई के अंदर कॉम्प्लीमेंट मतलब वो जिसके अंदर क्लोज है ना वो बड़ा सेट उसमें से ए माइनस करोगे ना वो ओपन होगा इसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा वाई माइनस ए ऐसे ही अगर ये ए इज क्लोज इन एक्स होता तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन बनता एक्स माइनस ए ये वाई के अंदर क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा वाई माइनस ए ये चीज ध्यान रखना ये इसके अंदर ओपन है इसका मतलब क्या है अब ये पिछली थोरम लगा रहे हैं कि ये वाई के अंदर ओपन है तो इसका मतलब क्या है हमें एक्स के अंदर एक ओपन सेट मिल जाएगा सच दैट दिस इज इक्वल टू उसकी और वाई की इंटरसेक्शन अब क्या करो आप ए को ए वाई माइनस ए किया है ना इसने या फिर आप सिंपल अरिथमेटिक के हिसाब से इस चीज़ को समझ सकते हो वैसे यहाँ अरिथमेटिक तो चलेगा नहीं ना हमारा बट फिर भी आप याद रख सकते हो इस चीज़ से कि ए को इधर ए माइनस में है इसको इधर ले आओ तो और इसको इधर ले आओ तो क्या बन गया वाई माइनस जी इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू ए वो चीज़ अब वाई में से माइनस कर रहे हो आप हटा रहे हो जी भी और वाई भी दोनों का इंटरसेक्शन यानी वाई माइनस जी और वाई माइनस वाई इनका यूनियन डीमोरगन स्लो से इसको ऐसे ही ओपन करते हैं ना इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाती है और वाई माइनस जी वाई माइनस वाई अब वाई में से वाई ही माइनस कर दो एम टी सेट बच गया और एम टी सेट के किसी के साथ भी यूनियन करोगे वही सेट आ जाएगा ए इज इक्वल टू वाई माइनस जी अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि कल ही लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि वाई माइनस जी किसके इक्वल होता है वाई इंटरसेक्शन जी का कॉम्प्लीमेंट ठीक है लाइन पे बना कर देखना दोनों ही सेम चीज़ें आएंगी ए इज़ इक्ल टू वाई का इंटरसेक्शन एच के साथ वैसे हमने नाम रख दिया ना इसका जी कॉम्प्लीमेंट को हमने एच का नाम दे दिया अब एक बात बताऊँ जी कैसा था ओपन था जे का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा क्लोज्ड और एच जो है वो G कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है तो एच भी क्लोज हुआ यानी हमें क्या मिल गया एक क्लोज्ड सबसेट मिल गया एक्स का सच दैट ए इज़ इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन एच यही हमें चाहिए था ठीक है इफ एंड और लिफ है यानी यहां लेके ये प्रूव करना है और ये लेके ये प्रूव करना है इफ एंड ये ये वाले साइन लगा दोगे तो ऐसे ही काम चल जाएगा ये वाले नहीं लगाओगे तो पहले ये लेके ये प्रूव करना और फिर ये लेके ये वाली चीज प्रूव करना ठीक है जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो सेकेंड पार्ट देखो सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहना चाहता है कि जो ए स्टार क्लोजर है इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई देखो दोनों ही वैसे तो एक के ही क्लोजर है लेकिन ये डी मेट्रिक के रिस्पेक्ट में है और ये डी स्टार मेट्रिक के रिस्पेक्ट में है और वाई आपको पता ही है एक्स का सबसेट हम लेते हैं ए हमने फिर वाई का ही सबसेट ले रखा है यानी ए वाई का सबसेट है वाई एक्स का सबसेट है तो इसने ये कहा कि जो डी स्टार के रिस्पेक्ट में क्लोजर निकालोगे वो इक्वल होगा डी के रिस्पेक्ट में क्लोजर के इंटरसेक्शन वाई के साथ देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि जो ए स्टार क्लोजर है वो इंटरसेक्शन होता है ऑफ ऑल डी स्टार क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए पता है ना ये तो हमें कोई भी सेटअप का क्लोजर क्या है दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए ये थ्योरम की थी हमने वो थ्योरम क्या कहती थी कि ए क्लोजर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए अब यहाँ पे स्टार लगाना है और यहाँ पे डी स्टार लिखना है बस और तो डिफरेंस है ही नहीं कुछ अब इसको निकालते हैं क्या आएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी दिस इस चीज़ को पहले लिख लो क्या ये इंटरसेक्शन है ऑल डी स्टार क्लोज सेट्स की यानी सारे एच स्टार की सच दैट एच स्टार क्लोज है वाई के अंदर कंटेनिंग ए यानी वो ए को कंटेन करते हैं इसी चीज को हमने लिख लिया अब एच स्टार क्या है एच इंटरसेक्शन वाई है फर्स्ट के अकॉर्डिंग बाय फर्स्ट ये वाला फर्स्ट बोल रहा है ठीक है कैसे कि ये कोई क्लोज सबसेट है डी स्टार क्लोज सबसेट है तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा कोई डी क्लोज सबसेट मिल जाएगा सच दैट वो उसके और वाई के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा अभी एच स्टार क्लोज सेट है सॉरी डी स्टार क्लोज सेट है तो आपको कोई डी क्लोज सेट मिल जाएगा सच दैट एच स्टार इज इक्वल टू एच का इंटरसेक्शन वाई के साथ इसकी जगह आप ये रख दो अब वहाँ पे हमने एच स्टार के बारे में बताया था यहाँ एच है तो यहाँ एच के बारे में बताएंगे वो वाई के अंदर क्लोज है ये एक्स के अंदर क्लोज है और ये चीज़ अब देखिए और ए क्या है इनका सबसेट है क्योंकि एच स्टार की वैल्यू यही तो है ना एच इंटरसेक्शन वाई अब देखो इसको ध्यान से समझना हम क्या कर रहे हैं एच इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन को अलग ले लो हमने सिर्फ एच रखा इधर एच इज़ क्लोज इन एक्स एंड ए इज़ सबसेट ऑफ एच इंटरसेक्शन वाई हमने सेट से बाहर ले लिया और ये देखो बिल्कुल ध्यान से समझना कि क्या है ए क्लोजर ये तो है यानी ये इंटरसेक्शन है सारे क्लोज सबसेट्स की ए के तो वो क्या होगा ए का ही क्लोजर होगा और इंटरसेक्शन वाई एज इट इज तो ए स्टार क्लोजर इज इक्वल टू ए स्टार सॉरी ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई देखो फिफ्टींथ एग्जाम्पल है गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट अ सबसेट विच इज ओपन इन अब स्पेस कोई सबसेट जो सब्सपेस के अंदर ओपन है ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेस के अंदर भी ओपन ही होगा और यही चीज़ क्लोज के लिए है यानी कोई सबसेट अगर सबस्पेस के अंदर क्लोज्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेस के अंदर भी क्लोज होगा देखो इसको समझते हैं कैसे कह रहा है देखो अब वाई आप क्या लेते हो एक्स का सबसेट लेते हो आपने यहाँ पे ये यह ले लिया यहाँ से क्लोज और यहाँ से ओपन ये वाला इंटरवल डबल डी स्टार मेट्रिक है जो कि डी से इंड्यूस हुई है और सेट है हमारा आर देखो पहले हमें प्रूव क्या करना है कि कोई सेट लेना है कोई न, न, मतलब सेट ऐसा लेना है और उसको ये प्रूव करना है कि वो सब स्पेस में तो क्लोज्ड है सॉरी सब स्पेस में तो ओपन है लेकिन वो स्पेस में ओपन नहीं है देखो ए आपने ये वाला सेट ले लिया ए हमें वाई का सबसेट लेना है तो ये वाई का ही सबसेट है ना अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो ये और इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ यही तो आएगी और ये क्या है वाई है अब जैसा कि ये वाला सेट ओपन है तो इसका मतलब क्या है ये क्या हो गया वाई के अंदर ओपन हो गया ये थे हम वही तो कहते थे ना हमारे क्या कहते थे देखो सिंपल सी बात है एक तो आप वाई का ओपन सेट ले लो और एक आप एक्स का ओपन सेट ले लो तो जो वाई वाला ओपन सेट है ना वो उस एक्स वाले ओपन सेट की और वाई के इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा तो वहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं वो वाला इंटरवल उसके और उसके इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखा जा रहा है और ये ओपन है तो इसका मतलब क्या है और ये ओपन है और ये जे इंटरसेक्शन वाई के फॉर्म में लिखा जा रहा है बी इज इक्वल टू जे इंटरसेक्शन वाई के फॉर्म में लिखा जा रहा है और जी ओपन है तो बी भी क्या होगा ओपन ही होगा ना तो उसी चीज़ को इसने वहाँ पर यूज़ किया है इसको आप इसके रिस्क इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हो और ये ओपन है तो ये भी तो ओपन होगा ये x के अंदर ओपन है लेकिन ये किसके अंदर ओपन होगा y के अंदर थ्योरम से ही हमने देखा है बट जैसे लेकिन ये ओपन नहीं है ये तो सेमी ओपन है एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है ये ओपन नहीं है क्योंकि ओपन तभी होता है अगर आप उसको ओपन इंटरवल्स की यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हो ओपन इंटरवल्स की यूनियन की फॉर्म में यहाँ आप नहीं लिख पाओगे ठीक है वैसे भी देख के बता दो ओपन तो है ही नहीं चलो अब सेकंड पार्ट हमें क्या करना है एक ऐसा सबसेट इंटरवल लेना है जो वाई के अंदर तो क्लोज्ड हो लेकिन स्पेस के अंदर क्लोज्ड ना हो जो काम हमने वहां पे ओपन के लिए किया हाँ यहाँ क्लोज के लिए करो बी आपने ये ले लिया वन बाय टू वन तो वन बाय टू वन ये किस चीज़ के इक्वल होगा इसकी और इसकी इंटरसेक्शन के और ये क्या है वाई है अब वही चीज़ यहाँ पे है ये क्लोज है और अब इसको इस क्लोज सेट की और वाई के इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख पा रही हो तो इसका मतलब क्या है हमारी थ्योरम क्या कहती है ये क्लोज होगा वाई के अंदर लेकिन ये तो क्लोज है नहीं बिल्कुल भी क्लोज नहीं है ये भी सेमी क्लोज्ड है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो सब स्पेस में ओपन या क्लोज है वो स्पेस में भी ओपन या क्लोज होगा एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल हमारा रहता है उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक्सरसाइज करेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस इक्वलेंट मिट्रिस का मतलब क्या होता है मिट्रिसज मतलब डी और डी स्टार इन्हीं को तो हम मिट्रिक बोलते थे तो डी और डी स्टार ये इक्विवेलेंट कब होंगी इफ एवरी डी ओपन सेट इज डी स्टार ओपन एंड डी स्टार ओपन सेट इज डी ओपन यानी जो सेट डी के रिस्पेक्ट में ओपन है वो डी स्टार के रिस्पेक्ट में भी ओपन हो जाए और जो डी स्टार के रिस्पेक्ट में ओपन है वो डी के रिस्पेक्ट में भी ओपन हो जाए तो डी और डी स्टार हो तो कैसी होंगी इक्वी वालेंट देखो सिक्सटीन क्वेश्चन हम देखते हैं सिक्सटीन एग्जाम्पल में इसने ये कहा है कि डी और डी स्टार दो मेट्रिस हैं और जो डी स्टार है वो इस उनका डी स्टार का और डी का ये वाला रिलेशन है तो आपने ये प्रूव करना है डी और डी स्टार इक्विवेलेंट है यानी आप क्या करो एक डी स्टार ओपन डी ओपन स्फीयर ले लो उसको प्रूव कर दो वो डी स्टार ओपन भी होगा और एक फिर डी स्टार ओपन स्फियर ले लेना ले उसको ये प्रूव कर देना कि वो डी ओपन भी होगा हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा तो आपने ऐसा एस एक्स आर ये डी ओपन स्पेयर ले लिया अब हमें उसको क्या प्रूव करना है कि वो डी स्टार ओपन भी होगा देखो इसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं जो कि ईजी पड़ेगा क्या पड़ेगा ईजी देखो आप ना एक डी स्टार ओपन स्फियर ले लो जैसे आपने डी ओपन स्फियर लिया ना ये वैसे ही एक दूसरा डी स्टार ओपन स्फियर ले लो सेंटर उसका एक्स ही हो रेडियस दूसरी हो सकती है और यहां स्टार नहीं है यहां स्टार आ जाएगा रेडियस आर वन क्या होने चाहिए एम इन टू आर बाई वन प्लस आर ठीक है तो हम क्या शो करेंगे कि ये जो स्टार वाला स्फीयर है ना ये क्या है कंटेन है डी वाले स्फीयर के अंदर देखो ऐसा हम क्यों करेंगे हमें क्या प्रूव करना है हमने लिया क्या है कि ये डी ओपन स्फीयर है हमें क्या प्रूव करना है कि वो डी स्टार ओपन स्फीयर है तो अगर हम उस डी स्टार ओपन स्फियर को इस डी ओपन स्पियर के अंदर कंटेन करवा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये कंटेन करता है एक डी स्टार ओपन स्फियर को तो ये खुद भी तो डी स्टार ओपन हो गया वही सेंटर का उसी सेंटर के अबाउट हमने डी स्टार ओपन स्फियर ड्रॉ किया अगर वो कंटेन हो गया डी ओपन स्फियर के अंदर तो ऑब्वियसली जो डी ओपन स्फीयर था वो डी स्टार ओपन स्फीयर भी तो बन गया ना वो डी स्टार के रिस्पेक्ट में भी तो ओपन बन गया क्यों क्योंकि डी स्टार के रिस्पेक्ट में एक दूसरा ओपन स्फीयर उसी के अंदर है तो वो खुद भी तो, तो वो भी तो ओपन है इसके सारे एलिमेंट्स इसी के एलिमेंट्स तो हैं ये कंटेन है इसके अंदर और ये ओपन है अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है डी स्टार के रिस्पेक्ट में तो इसके भी तो सारे पॉइंट डी स्टार के रिस्पेक्ट में इसके सारे पॉइंट्स की नेबरहुड हो जाएंगे तो ये डी स्टार ओपन फिर अपने आप हो जाएगा अगर ये इसके अंदर कंटेन हो गया तो अब किसी को भी किसी का सबसे दिखाने के लिए क्या करो एक पॉइंट इसमें से ले लो उसमें प्रूव कर दो इसमें से आपने वाई लिया अब कोई भी एलिमेंट इसके अंदर है मतलब इसका उस पॉइंट से डिस्टेंस लेस, दे लेस देन आर वन है लेकिन मिट्ट्रिक यहां पे डी स्टार होगा अब डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू ये दे है रख दोन आर वन क्या है एम आर बाई वन प्लस आर एम आर बाय प्लस आर फिर आपने क्या किया डी फिर आपने एम से एम कैंसिल कर दिया और फिर इसको थोड़ा सोल्व किया क्या आ गया डी एक्स वाई इज लेस देन आर एक ऐसा पॉइंट वाई आपको मिल गया जिसका डिस्टेंस एक्स से लेस बिलोंग कर गया ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स एंड रेडियस आर यहां से लिया था यहां चला गया तो दिस इज दिस नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है कि ये डी स्टार ओपन स्फीयर हमने लेना है प्रूफ क्या करना है कि ये डी ओपन भी होगा तो इसके लिए हम उल्टा काम करेंगे एक डी ओपन स्फीयर हम एक मान लेंगे ये वाला इसको इसमें प्रूव करना हम चाहते हैं ठीक है तो इसमें भी वही काम करेंगे किसी को भी किसी दूसरे का सबसे दिखाने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं वहाँ पे इसमें से एक एलिमेंट ले लो उसमें भी होगा ये हमें प्रूव करना है देखो तो वाई आपने इसके अंदर से लिया इसका मतलब उस पॉइंट का एक्सल डिस्टेंस लेस देन आ है इसकी वैल्यू रख दो इसको हमें ये दी थी ना वैल्यू इसको सॉल्व करके यहाँ से डी एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल लो डी स्टार की फॉर्म में तो वो ये आ जाएगी तो इसकी वैल्यू हमने रख दी और आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो ठीक है आर वन की टर्म्स में आ जाएगी ये वाली सॉल्व कर लेना इसको ये से लेस आ जाएगा फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करोगे ना ये आ जाएगा डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन आर वन यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स से लेस देन आर वन है तो ये किस में बिलोंग कर गया है एस स्टार एक्स आर वन में तो ये इसका सबसेट है दस वी हैव शोन दैट एवरी डी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स कंटेंस ए डी स्टार ओपन सेंटर्ड ऑन एक्स जो हमने पीछे प्रूव किया था और यहाँ हमने क्या प्रूव कर दिया कि एवरी डी स्टार ओपन सेंटर्ड ऑन एक्स कंटेंस डी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स दिस एम्प्लाइज दैट हर डी ओपन सेट डी स्टार ओपन है और डी स्टार ओपन सेट डी ओपन है तो so, दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल एंड ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग